गुड आफ्टरनून एवरीवन। लॉकडाउन का समय चल रहा है, बाहर धूप भी बहुत ज्यादा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो उस समय घर बैठे हम क्या करें, तो इसीलिए आज एक नया टॉपिक लेके कर्मा फाउंडेशन की तरफ से मैं धनंजय रावल आपके सामने एक नया प्रेजेंटेशन लेके आया हूं, और उसका नाम हमने दिया है एस्ट्रोनॉमी एंशियंट एंड मॉडर्न। एक अलग विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम एंशियंट की बात करें और मॉडर्न की बात करें, और दोनों में स्पेशली हमारे देश का कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारे देश का कंट्रीब्यूशन क्या था और हमारे देश का कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, उसकी बात करेंगे। तो शुरुआत हम एंशियंट से करेंगे और धीरे धीरे हम आज की तारीख पर ये एस्ट्रोनॉमी कहां तक पहुंची है उसकी बात हम करेंगे। तो दोस्तों, ये बात सब शुरू करने से पहले थोड़ी हमारी एक्टिविटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में या तो साइंस एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या काम करते हैं, थोड़ी उसकी बात करेंगे, 4-5 मिनट उसकी बात होगी, उसके बाद 20-25 मिनट एंशियंट एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे, बाद में मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे, और उसके बाद थोड़े क्वेश्चन आंसर की भी बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह की जब बात हम करते हैं एस्ट्रोनॉमी के, तो बहुत सारे सवाल होते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप जो भी मन में सवाल आता है ये आप नोट कर देना, और नोट करने के बाद जब मेरा सेशन खत्म हो जाएगा और ओपन टू ऑल, ओपन फॉर ऑल हम कर देंगे, तब आपके सवाल मुझे पूछ सकते हैं। शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरा प्रेजेंटेशन आपको बाद में दिखाई दे, कहीं से आपको मिले, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आपके जो सवाल है मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयत्न करूंगा। प्रेजेंटेशन आगे नहीं चल रहा है, yes। तो दोस्तों, मैंने स्कोप मैगजीन से लिखना शुरू किया, साइंस राइटिंग मैंने शुरू किया, उसके बाद मैंने भी मेरा एक खुद का मैगजीन चलाया, 5-6 साल तक ये चलाया, और बाद में मेरा जो प्रैक्टिकल वर्क था वो भी इतना ज्यादा हो गया, तो फिर मैंने लिखना थोड़ा मैंने कम कर दिया, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क बहुत कम करते, लिखने वाले लोग तो बहुत ज्यादा है। फिर भी मेरी आज तक 100 से ज्यादा किताबें साइंस एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स के ऊपर मैंने लिखी है, अंग्रेजी में भी मेरी 10 किताबें ये अभी पब्लिश हुई है, जिसका रिलीज जो रिलीज किया प्रोफेसर यशपाल ने। एस्ट्रोनॉमी के अलग अलग प्रोग्राम्स हम करते हैं, और ये फर्स्ट टाइम रण उत्सव हुआ कच्छ में, उसका ये फोटोग्राफ है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये पीछे मैं कैमरा मेरे पास में है, और ये सारे मेरे एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर क्लब के मेंबर्स अपने मिनिस्ट्री को एस्ट्रोनॉमी और बर्ड वॉचिंग का काम करा रही है। और उसी टाइम पे ये आप फोटो आप देखेंगे तो ये कच्छ में काला डूंगर के ऊपर का ये फोटोग्राफ है, और ये ऑफिशियल प्रोग्राम जब खत्म हो गया तब हम सब मिलके हमने सोचा कि ये जो दीवार है वहां से कूद के पीछे जो इंडिया ब्रिज दिखता है वहां पे हम ट्रेकिंग करते करते जाएंगे, और जब हमने ट्रेकिंग शुरू किया तो वहां से हमको एक चीज मिली, ये आपको जो दिख रहा है ना उसके एजिस,
तो ये और कुछ नहीं है, ये पूरा एक डायनासोर का अंडा है, और वो चीज हमने वहां से ढूंढ निकाली थी। कलाम सर से भी हमें बहुत बार मुलाकात करने का मौका मिला। मोदी जी भी जब मिलते हैं तब यही बात होती है कि बातें कम करो, अपने नया क्या बनाया दिखाओ, डेमो करके दिखाओ। तो ये डेमो ये हमारा चल रहा है, और अक्सर लोगों को डेमो में ज्यादा मजा आती है। ट्रांजिस्ट ऑफ वीनस मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में से शुक्र वीनस 122 साल में सिर्फ 2 बार आता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये बैकग्राउंड में सूरज है, और यहां पे जो आप देख रहे हैं ये शुक्र है, वीनस है, और ये घटना 122 साल में 2 बार होती है। 2008 में ये घटना एक बार हो गई, अभी दूसरी बार ये घटना जब होने वाली है तब ये जो भी हम देख रहे हैं, आप जिसको भी जान रहे हैं, उसमें कोई जिंदा नहीं हो सक होगे, क्योंकि 122 साल में ये घटना एक बार होने वाली है। और तब हमने एक प्रोग्राम रखा था, ट्रांजिस्ट ऑफ वीनस का एक वर्कशॉप हमने रखा था, और आप देख रहे हैं जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है, जयंती रवि तब साइंस एंड डिपार्टमेंट में थे, और हमारा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए जयंती रवि भी आए थे, मेरी किताबें रिलीज करने के लिए नितिन गडकरी, ये नागपुर का प्रोग्राम है। मेरी 3 किताबें हैं, साइंस एक्टिविटी यूजिंग हाउस होल्ड मटेरियल। दोस्तों लॉकडाउन के समय में ये किताब काफी लोगों को काम आ रही है, क्योंकि साइंस एक्टिविटी करनी है लेकिन लेबोरेटरी नहीं है, तो हमारे घर में जो भी चीज अवेलेबल है उससे हम 300 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरी किताबें गुजराती में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में भी है, और घर में जो भी चीज मिल रही है उससे हम 300 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये रिलीज नितिन गडकरी जी ने किया था। HC वर्मा अक्सर मेरे सेंटर पे आते रहते हैं, ये मेरा इसरो का सेंटर है, वहां भी वर्मा जी ने मुलाकात लिया था। जस्ट अभी लॉकडाउन खत्म होने से पहले मुझे HC वर्मा के घर पे जाने का मौका मिला, और उनका जो एक NGO है, और वहां पे 5 दिन का एक साइंस वर्कशॉप रखा था, और वहां पे एस्ट्रोनॉमी का सेशन लेने के लिए मुझे इनवाइट किया वर्मा जी ने। तो ये जस्ट अभी लेटेस्ट फोटोग्राफ है। और मेरे सेंटर पे ऐसे अक्सर देश और दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट आते जाते रहते हैं। हमारा काम बेसिकली प्लेनेटोरियम, ऑब्जर्वेटरी, टेलीस्कोप मैन्युफैक्चरिंग, साइंटिफिक टॉयज बनाना, ये है। और मेरे सेंटर पे बहुत जबरदस्त रेंज है टेलीस्कोप की, साइंटिफिक टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट, रोबोटिक्स, उसके ऊपर मुझे ये सबको दिन में तारे दिखाने का मौका मिला। आर्मी के साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला। जापान से एक साइंटिस्ट आया है, इस तरह की ऑब्जर्वेटरी है, अभी लेटेस्ट हमने ऑब्जर्वेटरी बनाई, और ये 32 इंच का टेलीस्कोप वहां पे हमने इंस्टॉल किया है। कलाम सर हमारा जो साइंटिफिक टॉयज जो हमने छोट बनाया है, लो कॉस्ट साइंटिफिक टॉयज, ये अभी कलाम सर देख रहे हैं। बहुत सारे अवॉर्ड और सम्मान हमें और हमारी कंपनी को मिल चुके हैं। हमारा काम इस तरह के साइंटिफिक मॉडल्स बनाना है, और ये इसरो, साइंस सेंटर, साइंस सिटी, PRL, अलग अलग जगह पे हम सप्लाई करते हैं। कलाम सर अगेन हमारे एग्जीबिशंस की विजिट करने के लिए आए 2 बार। हमारी कंपनी को मेक इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2 बार इनोवेशन अवार्ड हमारी कंपनी को मिल चुका है। इसरो के डायरेक्टर हमारे इसरो की जो शॉप है उसका ओपनिंग करने के लिए आए हैं, और अलग अलग वर्कशॉप्स अटेंड करने का मौका मिला है। और इसी तरह दुनिया भर में जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहां जाने का मौका, वहां जाके काम करने का मौका मुझे मिला है। तो दोस्तों हम अपनी मूल बात पे आते हैं, जो मैंने कहा कि एंशियंट एस्ट्रोनॉमी, एंशियंट एंड मॉडर्न, और शुरू करेंगे हम एंशियंट एस्ट्रोनॉमी से। और जब हम एंशियंट एस्ट्रोनॉमी की बात जब शुरू करते हैं, उनमें से सबसे पहला जो नाम आता है ये है शिव जी, नटराज की ये मुद्रा है। और अक्सर ये मुद्रा जब हम देखते हैं तो ये मुद्रा आपको 2 जगह पे मिलेगी, जहां पे डांस क्लास चलते हैं।
वहां पे आपको नटराज की मुद्रा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि शिव जी ये जो सौम्य और तांडव नृत्य करते हैं ये बताया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ये पता नहीं है कि ये जो मुद्रा है इस ये भी टोटली साइंटिफिक है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि शिव जी के हाथ में, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये जो डमरू है, तो डमरू जो है उसका जो काम है, उनका काम है क्रिएशन करना। जब तक ये डमरू बजता रहता है तब तक नई नई चीज बनती जा रही है, क्रिएशन, ब्रह्मांड का जो है जन्म और विस्तार होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और दूसरे हाथ में आप देखेंगे तो अग्नि है, तो अग्नि का मतलब है सर्वनाश। तो दोनों काम, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का और सर्वनाश करने का काम शिव जी अपने कॉस्मिक डांस से करते हैं, अपने शास्त्रों में लिखा गया है। जब से हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले नाम ये आता है, लेकिन धीरे धीरे हम थोड़े नजदीक के समय में आए तो 5वीं शताब्दी में आप यहाँ पे देखेंगे तो पंच सिद्धांतिका में हमें ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस मिलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पंच सिद्धांतिका में डिस्टेंस बिटवीन अ सन एंड अर्थ कैसे मेजर किया गया जाता है उसकी बात यहाँ पे बताई गई है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने फिर से ये सारी चीज ड्रॉ करके रखी है ताकि आप समझ सके कि डिस्टेंस टू सन, पृथ्वी और सूरज के बीच में अंतर कितना है। ये एकदम सिंपल, इसका मैथमेटिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैथमेटिक्स है आप उन्होंने जाने, हमारे जो पंच सिद्धांतिका जिसने लिखा है उसने बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट से ये बात बताई। भास्कराचार्य हमारे जो एंशियंट एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमर जो थे, उनमें से एक नाम भास्कराचार्य भी है। तो भास्कराचार्य ने बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए, आप देखेंगे तो ये एक हम उसको कहेंगे जल घड़ी है। यहाँ से पानी गिरता है और गिरने के यहाँ पे पानी, ये जो छोटा सा ग्लास जैसा जो है वहां पे पानी भर जाता है, और जितना जब पानी भर जाता है, वजन बढ़ जाता है, तो वो नीचे घूम जाता है और पानी यहाँ पे आ जाता है। तो इसलिए इस तरह की एक जल घड़ी उन्होंने बनाई थी टाइम को मेजर करने के लिए। फिर यहाँ पे एक देखेंगे तो एक लेटिट्यूड मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आज भी हम बनाना चाहते हैं। हम बहुत सारे हमारे एस्ट्रोनॉमिकल वर्कशॉप में बच्चों को ये इंस्ट्रूमेंट बनाना सिखाते हैं। और ये सन डायल, एक स्टिक हमने रखा है, और ये एक स्टिक से बहुत कुछ एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी हम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे एंशियंट एस्ट्रोनॉमर ने, जो हमारे ऋषि मुनि है भास्कराचार्य ने बनाए थे। उसके बाद आर्यभट्ट का भी उल्लेख आता है। आर्यभट्ट ने भी बहुत सारी खोज इसके बारे में की, इनका जन्म कहाँ हुआ है उस पर भी बहुत सारी अलग अलग थियरी है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसके जो ऑब्जर्वेटरी के जो हेड जो थे वो आर्यभट्ट थे, ऐसा उनका मानना है। कई बार कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये केरला से बिलोंग करते हैं, कई बार उनको ऐसा भी, ये नर्मदा नदी के आसपास जो इलाका है वहां पे भास्कराचार्य रहते हैं, तो ये अलग अलग बातें उनके लिए बोली जाती है। लेकिन उन्होंने भी हमको पता है कि जी शून्य का जो आविष्कार जिन्होंने किया, और आइंस्टाइन ने कहा कि जब तक ये दशांश पद्धति नहीं खोजी जाती तब हम ये जो सारी जो गणना करने करते थे ये गणना हम नहीं कर पाते, और जो एस्ट्रोनॉमी आज तक जहां पहुंचा है वो हम नहीं पहुंचा सकते। तो आर्य स्पेशली नोट आर्यभट्ट के बारे में आइंस्टाइन ने भी कहा था। और विदेशों में भी हम देखे तो विदेशों में भी एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत बहुत पुराने जमाने से, स्टोन एज का ये जो पिक्चर आप जो देखते हैं, आप देखते हैं तो ये इंग्लैंड में है, लंदन से आप बाय रोड जा सकते हैं देखने के लिए। तो पहले के जमाने में भी लोग इस तरह के कुछ पत्थर वगैरह रख के अरेंजमेंट करके अपने ऋतु का परिवर्तन, समय की गणना करते थे। इस तरह का एक मॉडल आपको समझ में आया कि देखो सूरज की किरण है जो गिर आपको यहाँ से यहाँ जो गिरती हुई दिखाई देती है सुबह से शाम तक, और वो ट्रैवल करती है यहाँ से यहाँ तक।
तो तब से हमें पता चलता है कि सूरज का अभी ट्रैवल कहाँ है, गर्मी कब शुरू होगी, ठंडी कब शुरू होगी। तो इस तरह के मॉडल उस जमाने में भी बनाए थे लोगों ने। आप यहाँ देखेंगे तो ये एक रोमन पीरियड में ये जो टाइमिंग यहाँ पे दिखाया गया है, वहां पे इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे कुछ बनाया है। इंस्ट्रूमेंट क्या है ये अभी किसी को पता नहीं है। बेसिकली ऐसा भी लगता है कि ये जो शिवलिंग का जो प्लेटफॉर्म है ये भी हो सकता है। माया संस्कृति में भी एस्ट्रोनॉमी की बहुत सारी बातें की गई है। माया संस्कृति में भी ये भी लिखा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और एक दिन उसका अंत होने वाला है। ये बात माया संस्कृति में लिखी गई है। हम इजिप्शियन संस्कृति की बात करें तो इजिप्त के जो पिरामिड है उसका कनेक्शन सीधा जो हमारा ओरायन कॉन्स्टेलेशन है उसके साथ भी उनको किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो तीन पिरामिड का जो लाइन जो है उसको जो, तो इस तरह से तीन जो जो अर्थ है, फिर विनस है और मार्स से उनको उनका रिलेशन माना गया है। एक ये भी बात आती है कि जो पिरामिड जब बना तब उनका जो मम्मी जो यहाँ पे रखा गया था उसकी पोजीशन, उस समय स्टार की पोजीशन कहाँ कहाँ थी ये मेंशन किया था। क्योंकि अभी जो हमारा ध्रुव तारा जो है ये ध्रुव तारा उत्तर दिशा है, लेकिन उस जमाने में हमारा ध्रुव तारा उत्तर दिशा नहीं था। ये जो तारा था वो उत्तर दिशा है, लेकिन 2500 साल पहले की ये बात है। अभी 2000 साल और 25 साढ़े 4000 साल पहले हमारी उत्तर दिशा बिल्कुल ध्रुव तारा के सामने नहीं थी और कोई और जगह पे थी। और ये पिरामिड के थ्रू हम जान सकते हैं, वहां पे भी ये सारी चीज बताई गई है। ओरायन बेल्ट के जो बीच में तीन तारे हैं ये 1 2 3, रात को आप ओरायन कॉन्स्टेलेशन देख सकते हैं, लेकिन ये तीनों तारे बिल्कुल सीधे नहीं है, एक जरा स्लांट है। ये जो ट्रैक बनाते हैं तो आउट ऑफ ट्रैक है। इसी तरह आप देखेंगे तो दो ये जो पिरामिड बनाए गए हैं उसमें से ये दो पिरामिड तो एक लाइन में है लेकिन तीसरा पिरामिड थोड़ा साइड में है, जिस तरह से तीन तारे हैं। तो एस्ट्रोनॉमी उस जमाने में भी कुछ न कुछ लोग उसका रेफरेंस लेते थे। सूर्य सिद्धांत की जब हम बात करें तो सूर्य सिद्धांत में क्लियरली लिखा गया है कि हमारी जो पृथ्वी है और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून है उसके, वो बिल्कुल उसके आसपास घूम रहा है। हमारी अर्थ भी सूरज के आसपास गोल गोल घूम रही है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अगर उससे गोल गोल घूमती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो कोई भी चीज नीचे गिर जाती है, तो हम सूरज के ऊपर क्यों नहीं गिर जाते, या तो चंद्र है ये पृथ्वी पे क्यों नहीं गिर जाता। लेकिन दो फोर्स अप्लाई होता है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा जो है ये सेंट्रिफिकल फोर्स। मून का जो सेंट्रिफिकल फोर्स है ये उनको लगातार पृथ्वी से दूर लेता जा रहा है, और पृथ्वी जो चंद्र पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तो वो चंद्र को दूर नहीं जाने देता, तो चंद्र दूर भी नहीं जाता और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चंद्र दूर जाना चाहिए, अरे पृथ्वी पे गिरना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के कारण वो पृथ्वी पे नहीं जाता, गोल गोल घूमता है। तो ये दो चीज, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों के कारण वो जहां है वहां पे गोल गोल घूम रहा है। हमारी पृथ्वी जहां है वो सूरज के आसपास गोल गोल घूम रही है। और ये सिद्धांत शिरोमणि में बहुत क्लियरली लिखा गया, 6ठे श्लोक में लिखा गया है। लेकिन आजकल तो हम आइजेक न्यूटन की बात ही सही मानते हैं, क्योंकि उसके कई सदियों बाद 11वीं सदी में आइजेक न्यूटन ने यही ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कही है। हमारे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी ये अलग अलग जगह पे जंतर मंतर है और वहां भी बहुत सारा एस्ट्रोनॉमी के एक्सपेरिमेंट होता है। और ये एकदम सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से हमने ये जाना कि हमारा चंद्र जो है वो पृथ्वी से, सूर्य जो है वो चंद्र जो है
ये सूर्य से 400 गुना छोटा है, लेकिन वो 400 गुना दूर है, तो हमें पृथ्वी से दोनों सेम साइज के दिखते हैं। कई बार बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि सूरज इतना बड़ा है तो छोटा लगता है, चंद्र इतना छोटा है तो इतना बड़ा लगता है, ऐसा क्यों? लेकिन उसका रीजन ये है, ये दोनों का जो रेशियो है ये 400 टाइम्स है, इसलिए हमें दोनों आकाश में विजुअली एक ही साइज के लगते हैं। तो ये बहुत सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढा, उसका सिंपल कैलकुलेशन किस तरह से किया ये मैंने फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके बताया है। उसकी ज्यादा हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी सुनने वाले हैं ये सारे के सारे लोग साइंस के फील्ड के नहीं है, जनरल लोग हैं। कभी हम उनके लिए अलग वर्कशॉप भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन एक बहुत पंच सिद्धांत में एक श्लोक है, और पंच सिद्धांत में एक श्लोक है, यहाँ पे हम ये नक्शा ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन है जीरो मेरिडियन लाइन यानी शून्य, काल गणना भारत में बरसों पहले होती थी, ये आप यहाँ पे ये श्लोक से प्रूव होता है। और समय की शुरुआत यानी जीरो समय सबसे पहले यहां से शुरू होता था, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने भारत पे आक्रमण किया, उन्होंने ये बात जानी, और ये बात जानने के बाद उन्होंने ये लाइन शिफ्ट करके वो लोग यहाँ लगे ले गए। अलेक्जेंड्रिया के समय में जो लोग आए वो लोग ये जानकारी लेके यहाँ गए, तो उन्होंने ये चीज जानी, ये लाइन शिफ्ट करके ये लोग यहाँ आए। और उसके बाद अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने ये जो जीएमटी लाइन है शिफ्ट करके अपने लंदन में रख दी। तो आज जो भी हम टाइम जोन की बात करते हैं तो जीरो स्टार्ट होता है लंदन से, हमारा भारत 5.5 घंटे आगे है टाइम जोन जो बनाया है, लेकिन बरसों सदियों पहले ये टाइम जोन यहां से शुरू होता था। और उसका प्रूफ श्लोक में तो है ही है, लेकिन बाद में यहां देखेंगे कर्कवृत हमारे गुजरात से कलकत्ता तक पसार होता है, आसाम से भी कर्कवृत पसार होता है, लेकिन एक ये जगह है कर्क रेखा स्थल डोंगला, ये एक जगह ऐसी है कि बरसों पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, ये एक ऋषि मुनि से कम नहीं थे, ये बरसों पहले ये जगह पे आए और उन्होंने बताया कि ये एक जगह ऐसी है कि दुनिया में आप कहीं भी जाओ लेकिन बिल्कुल 12 बजे, बिल्कुल 12 बजे अपने सिर के ऊपर सूरज आ जाता है। दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा कि रोज दिन में 12 बजे सूरज बिल्कुल अपने सिर पे आ जाता है, तो ये बात गलत है। कर्कवृत से लेके विषुववृत और उसके बाद मकरवृत, पृथ्वी पे सिर्फ इतने जो विस्तार है कर्कवृत से लेकर मकरवृत तक के विस्तार जो है, ये विस्तार इतने हैं कि वहां पे साल में सिर्फ 2 बार सूरज सिर्फ सिर पे आता है। स्पेशली कर्कवृत की बात करें और स्पेशली मकरवृत की बात करें तो ये लाइन पे साल में सिर्फ एक ही बार सूरज सिर पे आता है, और जब भी सूरज सिर पे आता है तब 12 भी नहीं बजे होते। आप देखेंगे अगर अहमदाबाद से ये चीज आप देखेंगे तो जीरो शैडो डे कब है ये आप ढूंढ लेना, गूगल पे आपको मिल जाएगा, या तो एक ऐप है जीरो शैडो डे JSD नाम की एक वेब ऐप है, उसको डाउनलोड करके आप देख लेना तो आपको पता चलेगा। कहीं भी आप अहमदाबाद को चेक करें, आप बड़ौदा को चेक करें, आप मुंबई को चेक करें, श्रीलंका को चेक करें, अफ्रीका चेक करें, लंदन चेक करें, अलग अलग दुनिया में कोई भी जगह है, लेकिन कर्कवृत से मकरवृत के बीच वाली जो जगह, अगर आप सोचेंगे कि दिल्ली में जीरो शैडो डे कब होने वाला है तो नहीं, मेहसाणा में नहीं, क्योंकि ये कर्क रेखा अपने अहमदाबाद से प्रांतिज से थोड़े आगे है, उसके ऊपर सूरज कभी सिर पे आता नहीं। तो सूरज रोज सिर पे आता नहीं है, और जब सिर पे आता है तब 12 नहीं बजे होते, ये ध्यान में रखना। लेकिन डोंगला नाम की एक जगह है पूरे विश्व में, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे सूरज बिल्कुल सिर पे आता है, और ये इन्होंने ढूंढ निकाला, आज तक किसी ने ये नोंद नहीं ली थी,
लेकिन बाद में ये जगह का इम्पोर्टेंट लोगों ने जाना, और उसके बाद वहां पे एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है, और यहाँ पे इतना बड़ा टेलीस्कोप भी इंस्टॉल किया है। और ये वो जगह है जो मैंने कहा ना कि ये जो जगह है यहाँ पे, एक जो हमने पाइप इंस्टॉल किया है, ये पाइप से सूर्य प्रकाश बिल्कुल, ये पाइप से बिल्कुल अंदर यहाँ पे आके ये जगह पे गिरती है, और ये साल में बिल्कुल एक ही बार ऐसी घटना होती है 12 बजे। तो ये भानु करम परम क्रांति शोध बिंदु, ये डोंगला नाम की जगह है। आप उज्जैन से जाएंगे तो 35 किलोमीटर दूर ये जगह है, उसकी विजिट आपको लेनी चाहिए अगर इंटरेस्ट है तो ये लाइन में। बाद में बहुत सारे लोगों ने इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाए, जो मैंने कहा ना भास्कराचार्य ने जो बनाए थे उसका रेफरेंस लेके बहुत सारे लोगों ने एंशियंट एस्ट्रोनॉमी में, ये सारे इजिप्त संस्कृति में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इन लोगों ने बनाए। आप देखेंगे अरबी अरेबियन कंट्री में भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह का बनाया। ये भी एक आप देखेंगे तो काफी ये साइंटिफिक फोटोग्राफ है, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि क्या ये टेलीस्कोप है, क्योंकि ये आईपीस बहुत बड़ी साइज है, सॉरी ऑब्जेक्ट लेंस बहुत बड़ी साइज की है, ये आईपीस बहुत छोटी साइज का है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अब आजकल के जो टेलीस्कोप में जो होते हैं काउंटर वेट, एक काउंटर वेट यहाँ लगाया है, एक काउंटर वेट साइड में पड़ा है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ भी पड़े हैं जो यहाँ फिट होते होंगे। तो मुझे लगता है कि क्या ये आर्टिस्टिक फोटो है या रियल में किसी ने बनाया है। हमारे हम्पी नाम आपने सुना होगा, विजयनगर बहुत पुराना और बहुत एक अद्भुत जगह है भारत में देखने लायक। अक्सर लोग ताजमहल देखने जाते हैं, लेकिन ये जगह आप देख जब देखेंगे तब आप ताजमहल को भूल जाएंगे। इतनी सारी कला, इतना सारा साइंस यहाँ पे है, आपको जाके देखना चाहिए। तो विजयनगर पूरा सिटी जो बनाया उसका, उसको भी कंस्ट्रक्शन जब किया तब ध्रुव तारे को रेफरेंस में लेके उन्होंने किया था। विष्णु स्तंभ की हम बात करेंगे, जैसे इसका नाम कुतुब मीनार दिया गया है, लेकिन बेसिकली ये विष्णु स्तंभ है। तो ये भी एक साइंस एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी थी। ये जो लो स्तंभ है, तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये लो स्तंभ यहाँ नहीं था, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर, शायद उज्जैन के आसपास कहीं होना चाहिए, या तो पटना के आसपास पाटलिपुत्र, या तो ऐसी कोई जगह पे होनी चाहिए, ये वहां पे था। लेकिन धीरे धीरे वो सारी जो जगह है उसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे घटता गया, लोग आक्रमण के कारण वो सारी इंस्टीट्यूट सब खत्म हो गई। तब उस जमाने के जो भी वैज्ञानिक थे उन्होंने सोचा कि भी इसका यहाँ पे कुछ यूज नहीं होता है, तो चलो इसको शिफ्ट करके हम दिल्ली लाते हैं, और बाद में कुतुब मीनार के पास में इसको इंस्टॉल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के जमाने में ये सारी चीज हुई है। बेसिकली यहाँ पे जो जगह है कुतुब मीनार, ये जो लो स्तंभ है, वहां पे युधिष्ठिर की बहुत बड़ी मूर्ति थी, और विक्रमादित्य ने महाभारत की यादगिरी में पूरा एक म्यूजियम बनाने का सोचा था, लेकिन बाद में इसको यहाँ इंस्टॉल किया गया। और इसको इंस्टॉल इसलिए किया गया था कि ये जो पूरा म्यूजियम बन रहा था, तो ये म्यूजियम बनाने के लिए विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे, ये नवरत्न में वराहमिहिर भी थे, और वराहमिहिर तो एक वैज्ञानिक थे, एस्ट्रोनॉमी के वैज्ञानिक थे, एस्ट्रोनॉमर। तो उन्होंने जबरदस्ती से, ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने राजा को कहा कि वहां पे मुझे एक बहुत बड़ा एक पोल मीनार बनाना है, क्योंकि उसकी परछाई से हमें बहुत कुछ ढूंढना है तो ढूंढ सकते हैं। तो ये जो विष्णु स्तंभ बना, कुतुब मीनार जो नाम से जो पहचाना जाता है, वो इसलिए बना। और क्या किया गया देखो, उसकी जो परछाई का मेजरमेंट जो हुआ, उसकी मेजरमेंट से पृथ्वी का सरकमफेरेंस मेजर किया गया, और यही चीज सेम ये जो थियरी है ये एडॉप्ट करके अलेक्जेंड्रिया के समय में ये लोग अलेक्जेंड्रिया सिटी में ले गए, और वहां के जो एक लाइब्रेरियन थे आर्टोस्थेनस, उन्होंने यही थियरी को मेजर करके पृथ्वी का सरकमफेरेंस मेजर किया, और बिल्कुल एकदम सिंपल, यानी ये जो एक
एक पोल लाइब्रेरी के बाहर उन्होंने इंस्टॉल किया था और उसकी परछाई जब उसने मेजर की तो ये एंगल मिला था 7.2 डिग्री। और यहां से 800 किलोमीटर दूर एक कुआं था, वहां पे सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी कुएं के अंदर जा रही थी, तो उन्होंने 360/7.2 किया और जवाब आया 50। तो उन्होंने तब कंक्लूजन दिया था कि यहां से यहाँ की जितनी दूरी है उसको मल्टीप्लाई बाय 50 करो, क्योंकि 360/7.2=50 आता है। तो अर्थ की जो सर्कमफेरेंस है तो वो सर्कमफेरेंस इतनी हो सकती है, ये आर्टोसेनस ने भी किया था। इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरी एक फिल्म है जो आपको YouTube पे मिल जाएगी, उसका नाम है छाया की माया, आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं, 15 मिनट की फिल्म है। लेकिन ये पृथ्वी की सर्कमफेरेंस कैसे मेजर की गई ये आपको डिटेल में आप देख सकते हैं फिल्म को, जो कुतुब मीनार में आप देख रहे हैं। तो सिंपल जो एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, हाउ सन डायमीटर कैन बी फाउंड यूजिंग कुतुब मीनार, सन का जो डायमीटर है ये कैसे मेजर किया गया, ये भी मैंने एकदम सिंपल वे से ड्राइंग करके आपके सामने रखा है। मैं जब बाहर घूमता हूँ, मैं अक्सर मेरा ट्रैवलिंग काफी बहुत रहता है, अलग अलग जगह पे लेक्चर्स देने, मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, या तो कहीं कहीं मेरे इंस्टॉलेशन होते हैं, मेरे जो बड़े बड़े टेलीस्कोप है, प्लेनेटोरियम है, ऑब्जर्वेटरी है, और मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं वहां के जाके जो वहां के जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन जो जगह है, उसकी मैं ध्यान से मैं उसका अभ्यास करता हूँ। और मुझे कर्नाटका में जब गया एक जगह पे तो हलेबीडू करके एक जो जगह है वहां पे एक मंदिर, काफी फेमस मंदिर है, आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो स्थापत्य कला वगैरह में तो ये जगह देखनी चाहिए। तो ये जो होयसाला का जो एक मंदिर है तो वहां पे मैंने देखा कि एक जो आदमी है ये कुछ टेलीस्कोप लेके कुछ आप देखेंगे तो कुछ देख रहा है बिल्कुल अपने आंख के सामने। तो क्या टेलीस्कोप उस जमाने में भी था, एक सवाल मन में होता है। और यही चीज को छोड़ के हम आएंगे धीरे धीरे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में, और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की जब बात करें तो उसमें केपलर का नाम आता है, कॉपरनिकस का भी नाम आता है, गैलीलियो का भी नाम आता है। कॉपरनिकस ने भी बहुत सारी थियोरी दुनिया के सामने रखी, केपलर ने भी बहुत सारी थियोरी दुनिया के सामने रखी, लेकिन गैलीलियो एक ऐसा आदमी था जिनके पास टेलीस्कोप नाम की चीज उनके पास आई, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई चश्मे की दुकान में जो टेक्नीशियन काम कर रहा है ये दो लेंस को जोड़ के देख रहा है तो दूर की चीज नजदीक दिखती है। तो यही थीम पे उन्होंने ये आप जो देख रहे हैं उस तरह का एक टेलीस्कोप बनाया। और टेलीस्कोप से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आकाश में देखने का काम गैलीलियो ने किया। और ये जो टेलीस्कोप था तो यहाँ पे एक लेंस था जिसको हम ऑब्जेक्ट लेंस कहेंगे, और यहाँ पे एक आईपीस था जहां से हम देख सकते हैं, आंख हमारी यहाँ पे होती है। तो ऑब्जेक्ट लेंस और आईपीस दोनों जगह पे लेंस है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लेंस है, ये भी आईपीस है। और टेलीस्कोप से गैलीलियो ने आकाश में देखना शुरू किया तो उनको पता चला कि ये जो चंद्रमा है ये चंद्रमा भी हमारी धरती जैसा ही है, वहां पे भी बहुत सारे खड्डे हैं, मैदान है, बहुत सारी चीज। तो ये उनके हाथ से ही लिखे हुए ये ड्राइंग्स आप देखेंगे तो उस चंद्र की अलग अलग जो कलाएं हैं उन्होंने देखी कि एक दिन इस तरह का दिखता है, दूसरे दिन उसका कला जो बदलती है बदलती है बदलती है। ये सब ड्रॉइंग गैलीलियो के ने अपने खुद हाथ से किया हुआ ये ड्राइंग है। तो ये टेलीस्कोप कैसे काम कर रहा था, अगर कोई बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं साइंस के, तो उसके बारे में उनको भी समझ में आए ऐसी कोई बात हम करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक आईपीस है यहाँ पे जो जिसके अंदर लेंस है, यहाँ पे हम आंख रखते हैं, और ये ऑब्जेक्ट लेंस है जिसको ऑब्जेक्ट के सामने हम रखते हैं।
और थ्रू ऑब्जेक्ट लेंस और आईपीस दोनों लेंस है, तो हमें दूर की चीज बड़ी और उल्टी दिखती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वही चीज हमने वहां पे ड्रॉ की गई है। तो ये दोनों जगह पे ये टेलीस्कोप ऐसा है कि ये दोनों जगह पे आईपीस, यहाँ भी एक लेंस है, यहाँ भी एक लेंस है। तो इस प्रकार के टेलीस्कोप को हम रिफ्रेक्टर टेलीस्कोप कहेंगे। रिफ्रेक्टर टेलीस्कोप दोनों जगह पे लेंस है, ठीक है। बाद में क्या हुआ, ये टेलीस्कोप बड़े बड़े बनते गए। गैलीलियो को पता चला कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की साइज हम बड़ी करते हैं, डायमीटर बड़ा करते हैं, तब उसकी क्लैरिटी और दूर दूर की चीज भी बिल्कुल साफ देख सकते। तो गैलीलियो बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाता गया, बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाता गया। उन्होंने जुपिटर के 5 चंद्र भी देखे। टेलीस्कोप से अक्सर जुपिटर के सिर्फ 5 चंद्र हम देख सकते हैं जो गैलीलियो ने देखे, और उसको हम गैलीलियन मून नाम दिया गया, क्योंकि सबसे पहले जुपिटर के 5 चंद्र गैलीलियो ने देखे थे। बाद में उसकी डेथ हो गई और उसके 100 साल के बाद एक नया साइंटिस्ट पैदा हुआ एक्सीडेंटली, जो अभी समय काल चल रहा है कोरोना, उसी प्रकार का समय तब चल रहा था न्यूटन के जमाने में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, प्लेग का रोग चारों तरफ फैल गया और स्कूल में जाने कॉलेज सब बंद हो गई। वापिस गैलीलियो अपने घर पे आ गया, क्वारंटाइन होके रहना था, तो वो एप्पल के पेड़ के नीचे जाके कुछ न कुछ पढ़ता था, और अचानक एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, और उसके बाद क्या हुआ ये तो सब आपके सामने है। लेकिन ये सब जानने के बाद उनको पता चला, जो मैंने पहले कहा कि ये जो सारे ग्रह जो है, प्लेनेट है, सैटेलाइट है, अपना जो चंद्र है, ये ग्रेविटी के कारण हमारे आसपास घूम रहे हैं। तो उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ अभ्यास करने की इच्छा हुई, टेलीस्कोप यूज करने की इच्छा हुई। तो उनको पता चला कि मुझसे पहले भी किसी ने टेलीस्कोप बनाया है, तो वो गैलीलियो का जो सिटी था पिज़ा, वहां पे वो गए, उन्होंने टेलीस्कोप कैसा बनाया था वो देखा। एक तरफ आईपीस था, एक तरफ ऑब्जेक्ट लेंस था, और ये टेलीस्कोप की साइज, उसकी लेंथ इतनी बढ़ती थी, यानी ये तो बहुत छोटा टेलीस्कोप है। बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टेलीस्कोप मेकिंग किट का। तो ये आईपीस, ऑब्जेक्ट लेंस या आईपीस, लेकिन ये साइज जब हम बढ़ाते हैं तब इसकी लेंथ भी धीरे धीरे बढ़ती है। तो गैलीलियो ने तो इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो बीच में से बैंड हो जाता था, अगर इस तरह से देखना है तो भी बीच में से बैंड हो जाता था। तो आपको पता है कि लाइट ट्रैवल थ्रू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में अगर टेलीस्कोप बेंड हो जाता है तो कुछ दिखता नहीं है। तो गैलीलियो ने ये सोचा कि ये टेलीस्कोप तो ठीक है, लेकिन उसका कोई डिजाइन ठीक नहीं है, तो चलो इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करें। तो गैलीलियो ने एक नए प्रकार का टेलीस्कोप बनाया जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कि जहां पे गैलीलियो ने लेंस यूज किया था उस जगह पे गैलीलियो ने मिरर यूज किया। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मिरर है, क्योंकि कोई भी जगह पे हम मिरर रखते हैं तो टेलीस्कोप की जो साइज जितनी बड़ी होती है उससे साइज आधी हो जाती है। जैसे एक मिरर होते रखते हैं तो जितना बड़ा टेलीस्कोप है उसकी साइज आधी हो जाती है, तो दो मिरर रखते हैं तो उसकी साइज 1/4 हो जाती है। तो टेलीस्कोप पावरफुल हो जाता है लेकिन उसकी साइज कम हो जाती है। तो इसीलिए न्यूटन ने जो टेलीस्कोप बनाया वहां पे मिरर यूज हुआ था, और मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लेंस में जो लाइट है ये रिफ्रैक्ट होती है। तो रिफ्रैक्टर, और ये जो है न्यूटन का, ये हुआ रिफ्लेक्टर टाइप का टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप दो प्रकार के होते हैं, एक है रिफ्रैक्टर और जिसमें मिरर है उसको रिफ्लेक्टर कहते हैं। कई बार लोग उसको गैलीलियन टेलीस्कोप भी कहते हैं, न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी कहते हैं, कुछ भी कह लो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। और ये जो मैंने कहा
कि काफी बड़ा टेलीस्कोप जो है, यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे और एक मिरर है, लेकिन ये खूब खूब पावरफुल टेलीस्कोप है, लेकिन साइज इसकी कम है। और धीरे धीरे उसके अंदर लोगों ने मोटर भी फिट कर दी, ये मोटराइज है, क्योंकि पृथ्वी से हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब देखते हैं तब आपको पता है कि हमारी पृथ्वी एवरी 4 मिनट 1 डिग्री घूम जाती है। तो हमने अगर मून के ऊपर सेट किया है तो थोड़ी देर के बाद पृथ्वी घूम गई तो हमारा टेलीस्कोप मून से बाहर निकल जाता है, या तो हमारा टेलीस्कोप के अंदर जो मून लोकेट हुआ है तो मून कहीं और चला जाता है, तो हमें बार बार टेलीस्कोप को सेट करना पड़ता है। तो बाद में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और मोटराइज टेलीस्कोप हुए, तो उसमें आपको घुमाने की जरूरत पड़ती नहीं थी, तो ये मोटराइज टेलीस्कोप है। उसके बाद और भी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो गई। हम जब पढ़ते थे, मैंने जब इंजीनियरिंग जब मैंने की, तब इलेक्ट्रॉनिक्स कोई एक खास लोगों के लिए था। हम उस जमाने में टेलीविजन मैन्युफैक्चर करते थे, हम जब इलेक्ट्रॉनिक सीखते थे तब वॉल टाइप रेडियो थे। सोचो दोस्तों, वो रेडियो जब हम चालू करते थे, समझ लो कोई अच्छा गाना हमने सुना कहीं से, सुनाई देता है, तब तो ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, जो भी सुनना है रेडियो पे सुनो। तो हमने पड़ोस में कोई अच्छा गाना सुनाई देता है तो हमने सोचा कि चलो हम रेडियो चालू करके हम सुने। तो जब मैं रेडियो ऑन करता हूँ तो रेडियो ऑन होते होते ये जब गाना खत्म हो जाता था तब रेडियो ऑन होता था। प्रोसेस बहुत लंबी थी, अभी क्विक स्टार्ट है। लेकिन बाद में वॉल टाइप थियरी के बदले जब सॉलिड स्टेट आया, ट्रांजिस्टर बने, आईसी बनी, आईसी के बाद कंप्यूटर बने, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर सर्किट जब आई, तब यानी समझ ले हम टेक्नोलॉजी में सडनली जबरदस्त चेंज आया। इलेक्ट्रॉनिक्स पहले खाली रेडियो, टीवी, टैप में ही चलता था, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स हर जगह पे घुस गए। आज देखो तो ऑटोमोबाइल में भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, गाड़ी कैसे चलानी वो सीखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर फिट किए गए हैं। इस तरह का ये कंप्यूटर आप देखेंगे तो ये पूरा कंप्यूटराइज टेलीस्कोप, इसके अंदर कंप्यूटर है, जीपीएस है, माइक्रो कंट्रोलर सर्किट है, इलेक्ट्रिक मोटर है, सब कुछ है। और ये टेलीस्कोप तो है ही है, लेकिन ये कंप्यूटर टेलीस्कोप ऐसा है कि ये कीबोर्ड से मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पता नहीं है आकाश में जुपिटर कहाँ है, तो मैं सिर्फ जुपिटर टाइप करके सिर्फ एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये टेलीस्कोप आकाश में जुपिटर कहाँ है। पहले तो वो अपने पृथ्वी पे लोकेशन कहाँ है वो ढूंढ लेगा, उसके बाद आकाश में जुपिटर या तो सैटर्न कहाँ है जो भी देखना है, यानी इसके अंदर 4000 डेटाबेस दिए गए हैं। आकाश में जो चीज हम तक को दिखती है, सारे प्लेनेट, गैलेक्सीज, ऑब्जेक्ट्स, ऐसी 4000 चीजें है उसका डेटा इसके पास है। तो मुझे कुछ नहीं करना, जो भी गैलेक्सी देखनी है उसका नंबर टाइप करना है, एंटर करना है और गैलेक्सी के सामने टेलीस्कोप जाके खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी ने बहुत सारा चेंजेस कर दिया, तो कंप्यूटराइज टेलीस्कोप आ गए। कंप्यूटराइज टेलीस्कोप के बाद मैंने कहा कि डायमीटर जितना बढ़ता है इतना लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा हो जाता है, तो उसके बाद में लार्ज अपर्चर टेलीस्कोप बनते गए। आप देखो ये जो टेलीस्कोप है उसका डायमीटर कितना बड़ा है, कितना बड़ा टेलीस्कोप, ये जो टेलीस्कोप है उसका डायमीटर 35 इंच का डायमीटर, तो ये लार्ज अपर्चर टेलीस्कोप बनते गए। और बनते बनते इतने बड़े टेलीस्कोप बने तो ये जो आप फोटोग्राफ देखेंगे, ये फोटोग्राफ आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी गाड़ियां खड़ी, ये सारी कार खड़ी है। तो इसको देख के आपको पता चल जाएगा, ये जो आपको जगह दिख रही है ना उसके अंदर पूरी ट्रक चली जाती है, इसके अंदर ट्रक चली जाती है, यहां से इसका एंट्रेंस है, देखो ये शायद ट्रक ही जा रही है, तो ये यहाँ का एंट्रेंस है, अंदर पूरी बस चली जाती है। तो ये टेलीस्कोप कितना बड़ा है, ये ऑब्जर्वेटरी की जो है यानी फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ी ये साइज है, इतना बड़ा ये टेलीस्कोप।
तो मन में सवाल यह होता है कि इतने बड़े टेलीस्कोप लोग क्यों बड़े बड़े बनाते गए। तो ये सब करने का एक ही कारण है कि लोग, साइंटिस्ट लोग ये जानना चाहते थे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, पहला तो ये। दूसरा कि ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, ये दो चीज लोग जानने की कोशिश करते हैं। उसमें ब्रह्मांड कितना बड़ा है शायद वो लोग तो जान गए हैं, लेकिन ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ उसको जानने की कोशिश आज भी चल रही है। एस्ट्रोनॉमी ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेलीस्कोप से ही हम करें, एस्ट्रोनॉमी के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे मीटियोर, मीटियोराइट जो उल्का आकाश से उल्टा जो गिरती है उसको ढूंढना। हम बहुत बार ऐसी घटना होती है हमारे गुजरात में और भारत में, इस तरह की मीटियोराइट जब गिरती है तब उसको ढूंढने के लिए हम जाते हैं। हमारे जैसे गुजरात में बहुत सारे मेरे दोस्तों हैं, एमेचर एस्ट्रोनॉमर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे एस्ट्रोनॉमी क्लब के साथ जुड़े हुए, तो हम सब सारे मिल के जब हमें कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे मीटियोराइट गिरी है तो उसको ढूंढने के लिए हम जाते हैं। पूरा एरिया हम कॉम्बिंग करते हैं। कई बार तो पीआरएल के साइंटिस्ट भी हमारे साथ में होते हैं और इस तरह की मीटियोराइट भी हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो और भी एक चीज, यहाँ पे हमने एक डायनासोर का अंडा यहाँ पे हमने रखा है। तो मीटियोराइट, ये इतनी बड़ी भी मीटियोराइट होती है, इतनी बड़ी मीटियोराइट भी होती है, आप देखेंगे तो इतनी बड़ी मीटियोराइट भी होती है, 250 टन की मीटियोराइट है दोस्तों। इतनी बड़ी मीटियोराइट अगर गिरी तो मैं कह सकता हूं कि एक समझ लो एटम बम की इफेक्ट जो है उतनी इफेक्ट इससे आती है, आ सकती है। यानी अहमदाबाद में गिरी तो मेहसाणा से बरोड़ा तक का पूरा एरिया खत्म हो जाता है। और आपको शायद जानकारी होगी या नहीं होगी कि महाराष्ट्र में लोनार करके एक जगह है, लोनार सरोवर, लोनार क्रेटर, तो पहले एक ऐसी उल्का वहां पे गिरी थी और उसकी इम्पैक्ट के कारण इतना बड़ा सरोवर बन गया और आज वो तालाब बन गया है। लेकिन आज भी वहां का पानी खारा पानी है। तो महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो वो चीज आप देख सकते हैं। अजंता एलोरा जब देखने को जाते हैं तब ये चीज बिल्कुल नजदीक है, तो वो भी चीज देखनी चाहिए, लोनार सरोवर, लोनार क्रेटर। उसके बाद में आप देखेंगे तो अभी तक मैंने जो भी टेलीस्कोप आपको बताया ये सिर्फ ऑप्टिकल टेलीस्कोप थे, लेकिन अभी ये जो टेलीस्कोप है ये एक्सरे टेलीस्कोप है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट इतने दूर है उसकी लाइट यहाँ पे आती नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं, तो साइंटिस्ट को पता चला कि ऐसे बहुत सारे फ्रीक्वेंसी वो ट्रांसमिट करते हैं, अगर वो फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसमिट करते हैं उसको हम कैच कर ले और उसको मॉड्यूलेट करें, उसको कंप्यूटर में डाल के फिर बाद में उसकी इमेज जनरेट कर सकते हैं, वीडियो डिस्प्लेइंग हम कर सकते हैं। तो उसके लिए बनाया गया रेडियो टेलीस्कोप। तो जो रेडियो टेलीस्कोप आउटर स्पेस से जो आते हैं, ये एक रिसीवर जो होता है उससे रिसीव होता है, एक जगह पे फोकस होता है तो यहाँ पे सिग्नल बहुत पावरफुल बन जाता है, अलग अलग जगह पे आते हैं तो रिफ्लेक्ट होके एक जगह पे फोकस हो जाते हैं और फोकस होके वो एलएनबी के थ्रू सर्किट में आ जाता है, एम्पलीफाई होता है और उसका डिकोडिंग होके बाद में एक इमेज बनती है। तो ये काम रेडियो टेलीस्कोप से होता है। आप देखेंगे तो रेडियो टेलीस्कोप ये जो मैंने आपको दिखाई है, एक डिश एंटेना, ऐसी बहुत सारी डिश एंटेना को जोड़ के बनाया जाता है। आप देखेंगे तो ये कम से कम ये जो डिश एंटेना है इसकी साइज हम कह सकते हैं कि 50 फुट के आसपास एक डिश एंटेना, इतनी बड़ी। तो कितने सारे आप देखेंगे तो ये डिश एंटेना इसकी फिट की गई है रेडियो टेलीस्कोप की। और इस सबके, क्योंकि बहुत दूर दूर से जो सिग्नल आते हैं वो काफी वीक होते हैं, तो सबको इकट्ठा करके फिर एम्पलीफाई करते हैं और इमेज प्रोसेस करते हैं। ऐसे बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप भी है। देखो ये सिंगल डिश यानी फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा एक डिश बनाया है
और इसका सिग्नल यहाँ पे रिसीव होता है, डोरी से बांधा गया है और सब जगह से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आता है, फोकस होता है जैसे सूर्य कुकर में होता है सेम, और ये सिग्नल रिसीव होके फिर एम्पलीफाई करते हैं और दूर दूर की आकाशगंगा है गैलेक्सी से जो सिग्नल आते हैं उसको रिसीव करते हैं और मॉडिफाई करके जानते हैं। लेकिन साइंटिस्ट को वैज्ञानिकों को ये भी पता चला कि पृथ्वी से हम जो भी देखते हैं, रात को जब आप आकाश पे जाके सारे तारे नक्षत्र वगैरह ग्रह वगैरह देखते हैं तो उसकी इमेज आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखती है। क्यों ब्लैक एंड व्हाइट आती है? क्योंकि हमारा पृथ्वी का जो एटमोस्फियर है तो बाहर से जो भी कलरफुल इमेज आती है ड्यू टू एटमोस्फियर सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमें यहाँ से सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मिलती है। तो नासा ने एक टेलीस्कोप बनाया है जिसका नाम रखा गया है हबल टेलीस्कोप। इतना बड़ा डायमीटर है इसका, लेंस यहाँ पे फिट गया, इतना बड़ा डायमीटर है, इतना बड़ा डायमीटर इसके जितना ये लेंस मिरर यहाँ पे फिट किया गया है, इतना बड़ा समझ लो ये 5 मीटर डायमीटर है इसका, इतना बड़ा टेलीस्कोप बना के स्पेस में भेजा है क्योंकि 400 किलोमीटर ऊपर एटमोस्फियर खत्म हो जाता है और वहां पे एक टेलीस्कोप रखा गया है ऑप्टिकल टेलीस्कोप। और बाद में पृथ्वी से उनको कमांड देते हैं और अलग अलग जगह पे उनको घुमाते हैं और बाद में जो इमेज मिली तो ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप से इस तरह की कलरफुल इमेज, ये गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी यहाँ पे दिख रही है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो ब्रह्मांड तो बिल्कुल कलरफुल है लेकिन पृथ्वी से देखते तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, लेकिन हबल टेलीस्कोप से बहुत सारी इमेज कलरफुल हमें मिलती है। आप नासा की वेबसाइट में जाके हबल टेलीस्कोप की बहुत सारी इमेज आप देख सकते हैं। ये भी एक एक्सरे टेलीस्कोप है और एक्सरे टेलीस्कोप से सूरज का देखो फोटोग्राफ लिया गया तो सूरज के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है ये आप यहां से देख सकते हैं। और बाद में हमने बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट बनाए जिनको आकाश में भेजे ब्रह्मांड की सैर करने के लिए। इनमें से वॉयेजर 2 नाम का एक जो सैटेलाइट है ये 40 साल पहले उसको छोड़ा गया था, और 40 साल पहले उनको छोड़ा गया था तो आज वो चलते 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 अपनी पूरी सोलर सिस्टम के जितने ग्रह है उसको क्रॉस करके इंटरस्टेलर पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उसने क्या क्या किया, उसके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड है। इतना दूर सैटेलाइट किसी का आज तक गया नहीं, 40 साल पहले गया हुआ ये जो है। मजे की बात तो ये है कि इतने साल होने के बाद भी ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। ऐसा माना जाता था कि सूरज की जो मैग्नेटिक वेव्स जो उनके थे, एक्सरे सिग्नल जो थे, ये सोलर सिस्टम तक ही जाते होंगे, लेकिन सोलर सिस्टम के बाहर ये पहुंच गया है और उन्होंने ये भी रिसीव किए, यानी सूरज की असर सोलर सिस्टम के बाहर भी हो रही है ये इन्होंने प्रूव करके दिखाया है। और इसमें बहुत सारे ऐसी चीज भी अंदर डाल के रखी है क्योंकि सोलर सिस्टम के बाहर ये निकल गया है, तब उस जमाने में वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर इसको किसी ने पकड़ लिया, हम मानते हैं कि हमारे जैसे और भी ग्रह है और वहां भी हमारे जैसे लोग बस रहे हैं जिसको एलियन के नाम से हम जानते हैं, और अगर इसको किसी ने पकड़ लिया तो उनको पता होना चाहिए कि भी ये कहां से आया है, हमारे पृथ्वी पे लोग कैसे हैं, ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। तो ये दिखाने के लिए इस तरह के ड्रॉइंग्स भी ये सैटेलाइट के अंदर इसके अंदर रखे गए हैं। इतना ही नहीं, एक सीडी बना के भी भेजा है, सीडी नहीं सॉरी रिकॉर्ड प्लेयर, रिकॉर्ड प्लेयर का नाम रखा है द साउंड ऑफ अर्थ, द साउंड ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के ऊपर आवाज कैसे है। दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके अंदर दुनिया की सबसे यानी कहते सबसे अच्छी साइंटिफिक लैंग्वेज संस्कृत, तो संस्कृत भाषा में आवाज रिकॉर्ड की गई है, हिंदी में भी आवाज रिकॉर्ड की गई है, गुजराती में भी आवाज यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। लेकिन 40 साल होने के बाद मैं कभी ये सोचता हूं कि समझ लो ये सैटेलाइट किसी ने पकड़ लिया, परग्रहवासी ने, एलियन ने,
उनको ये रिकॉर्ड मिली। अगर पृथ्वी पे ये रिकॉर्ड आज मुझे मिली मिलती तो मुझे इसको चलाने के लिए मेरे पास ग्रामोफोन नहीं है। क्या आपके घर में ग्रामोफोन है? नहीं है किसी के घर भी, एंटिक चीज होगी। तो क्या उनके पास ग्रामोफोन होगा? आज तो हम क्या यूज करते हैं? पेन ड्राइव, पहले हम सीडी यूज करते थे। तो डिजिटली ये सिग्नल उसके अंदर हमने भेजे नहीं है, तो इसको डिकोड कैसे करेंगे? लेकिन 40 साल पहले हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। सबसे ज्यादा आवाज को ट्रांसमिट करने के लिए या तो रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ यही चीज थी, तो अभी हमने ये भेजा है। तो ऐसी भी हरकत कभी कभी हो जाती है, मजे की बात। तो जो मैंने कहा कि वॉयजर यहां से स्टार्ट हुआ और वो ट्रैवल करते 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 ये सीधा इस तरह से ट्रैवल नहीं करता, अलग अलग उसका पाथ होता है और इस तरह से घूमते 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 अभी उसकी ये यहां तक पहुंचा है 40 साल में यहां पहुंचा है। तो अगर ये सबसे पहला तारा है यहां पे, अगर उसको पहुंचना है तो चलेगा, उसको टाइम लगेगा 40,000 साल। आप देखो अभी तो यहां से यहां ओर्ट क्लाउड से बाहर निकलना है, तो ब्रह्मांड तो कितना बड़ा है। तो ब्रह्मांड को पूरा घूमना, अगर आपको घूमना है उसकी एज पे जाना है तो वहां पे जाते जाते कम से कम 150 करोड़ साल हो जाए, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। तो यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, हमारी एस्ट्रोनॉमी, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी यहां तक पहुंची है। लेकिन मैंने यह कहा कि हम दो चीज ढूंढने का प्रयत्न करते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और दूसरा ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ। तो उसको ढूंढने के लिए अलग तरीके से हम प्रयत्न करते हैं। हाँ, हमने मानव को भी भेजने का प्रयत्न करा, मून पे हम जा चुके हैं, 40 साल पहले हम मून पे जा चुके हैं। हमने रोबोट या तो रोवर मार्स तक हमने भेज दिया है, हम अभी मार्स पे आदमी को भी भेजने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। कभी कभी नासा की एक्टिविटी में इस तरह के सर्टिफिकेट भी हम ले लेते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर है जिससे आजकल हमारा काम बहुत सरल हो गया है। लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति को ढूंढने का प्रयत्न हमारे एंशियंट साइंटिस्ट भी करते थे, या तो मैं कह सकता हूं कि उनको तो पता ही था, लेकिन ये बात विदेश के वैज्ञानिकों को पता नहीं था। लेकिन भारत में सबसे पहले 1970 के दशक में कुमार स्वामी करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इंडियन कॉस्मोलॉजी में जो भी कुछ लिखा है उसकी हम कहते हैं उसका उसको उसको एक्सप्लोर किया और इस बात को दुनिया भर में फैलाया, कुमार स्वामी करके थे साइंटिस्ट। और उनकी बात सुनने के बाद बहुत लोगों की आंख खुल गई और उन्होंने भी इंडियन कॉस्मोलॉजी पढ़ने का प्रयत्न किया। और प्रयत्न करते करते रशिया का जो मीर सैटेलाइट जो भेजा था आकाश में, जिनमें एस्ट्रोनॉमर भी थे, वो सबसे पहले नटराज की प्रतिकृति लेके गए। आज भी उसकी वीडियो आपको ऑनलाइन मिलती है कि नटराज को लेके वो स्पेस शटल में गए थे। उसके बाद जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, कार्ल सेगान, उन्होंने भी इंडियन कॉस्मोलॉजी का बहुत डिटेल में अभ्यास किया और उन्होंने माना कि भारत की जो संस्कृति के अंदर जो कॉस्मोस के बारे में बातें लिखी है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड का अंत कैसे हुआ। देखो, किसी ने ब्रह्मांड का अंत हुआ ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन भारतीय कॉस्मोलॉजी में ये चीज लिखा है और ये इन्होंने माना है, कार्ल सेगान। इनफैक्ट तो कार्ल सेगान ने तो भारत में आके पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, कॉस्मोस नाम की जो सीरीज थी उसके अंदर, और उनका नाम रखा कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा।
आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, यूट्यूब में ये आपको डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलेगी। और उनका कहना था, द हिंदुइज्म इज द ओनली वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फेथ डेडिकेटेड टू द आइडिया दैट द कॉस्मोस इटसेल्फ अंडरगोज एन इमेंस इंडीड एन ए इन्फिनाइट नंबर ऑफ डेथ्स एंड रीबर्थ। देखो, इन्फिनाइट नंबर ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, इट इज द ओनली रिलीजन इन विच द टाइम स्केल कॉरस्पॉन्ड टू दोस ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी। ये डॉक्टर कार्ल सेगान ने कहा था, दुनिया के बहुत महान यानी मोस्ट फेमस मॉडर्न एस्ट्रोफिजिसिस्ट, उन्होंने ये लिखा है। देखो, यूट्यूब पे उसकी फिल्म आपको मिलेगी, कार्ल सेगान की। उसके बाद आर्थर क्लार्क ने भी ये बात मानी, उन्होंने भी भारत में आके कॉस्मोस ओडिसी नाम की एक सीरियल बनाई, और उन्होंने भी कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा के बारे में बहुत कुछ एक पूरा एपिसोड बनाया है। कार्ल सेगान एक ऐसे राइटर थे स्पेशली एस्ट्रोनॉमी के, कि बेसिकली वो लाइब्रेरी में बैठे बैठे काम करते थे, लेबोरेटरी में कभी गए नहीं, लेकिन जो भी लिखते थे वो बिल्कुल सच होता था। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो गए ये भी एक आश्चर्य की बात है। लेकिन मुझे उनके घर पे जाने का मुझे मौका मिला, वहां पे जो काम करते थे वहां पे जाके, देखो जमाना कितना था तब, टेलीविजन इस तरह का था, ये सारी वीडियो कैसेट्स उनकी लाइब्रेरी में, ये सारी वीडियो कैसेट्स है, तो तब ये था उसका जमाना। और जो मैंने कहा कि स्विट्जरलैंड में सी आर एन सन लेबोरेटरी जो है, जहां पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उसका रिसर्च चल रहा है, वहां पे इस तरह की 2 मीटर बड़ी नटराज की मूर्ति, एक हाथ में डमरू है जो सर्जन की प्रतिकृति है और एक हाथ में अग्नि है जो विसर्जन की प्रतिकृति है, वो स्थापित की गई। वहां पे लिखा है, ये जो है यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे दुनिया के 1500 वैज्ञानिक काम करते हैं। देखो, अनिल काकोडकर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो सेक्रेटरी थे, जब उसको ऑफिशियली रिलीज हैंड ओवर करने गए तब का ये फोटोग्राफ है। और यहाँ पे जो मैंने कहा ये लिखा है कि दुनिया के 1500 साइंटिस्ट यहाँ पे काम करते हैं, और सबने ये माना कि इंडियन कॉस्मोलॉजी में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये सत्य के बिल्कुल नजदीक है, और वही थियोरी पे हम काम करना यहाँ पे होता है। और ये उसके अंदर का फोटोग्राफ है, आप देखेंगे तो ये अभी ये जो एलेक्सी है इसका डायमीटर 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पहले इतना था, फिर ये बनाया, फिर अभी जो है इसका डायमीटर 5 किलोमीटर है, लेकिन अभी जो नया जो बनने जा रहा है उसका डायमीटर 100 किलोमीटर है। इतनी बड़ी टनल यहाँ पे बनने वाली है, और उसके बाद एटम को गोल गोल घुमाएंगे और जबरदस्त उसका कोलाइडन करेंगे, और ये देखने के बाद उनको पता चलेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अक्सर हम कहते हैं ना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, तो ये इतने स्पीड से एटम को ब्लास्ट करने वाले हैं, और उसके बाद पता चलेगा कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ये एक्सपेरिमेंट अभी इस तरह से यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो टनल का फोटोग्राफ है, और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो बनते हैं, तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन भारत का भी है, भारत के भी बहुत सारे साइंटिस्ट वहां काम करते हैं, और बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट भारत का है, और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट भारत ने बना के एलएचसी में जो स्विट्जरलैंड में लेबोरेटरी है, ये जगह पे भारत के इंस्ट्रूमेंट वहां पे इंस्टॉल हुए हैं। ये आपको जानकारी देते हुए मुझे आनंद होगा, और ये कहाँ बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो ये टनल कितनी बड़ी होती है, इसकी साइज यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये टनल इतनी बड़ी है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट जो बनता है ये
लोगों ने इसरो का नाम सुना होगा, पीआरएल का नाम सुना होगा, लेकिन किसी ने राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आरआरकेट का नाम नहीं सुना होगा। ये भी एक भारत की इसरो जैसी एक इंस्टीट्यूट है और ये इंदौर में है, और इंदौर के अंदर भी 1.25 किलोमीटर बड़ी एक टनल बनाई है और वहां भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। मुझे वहां जाके भी देखने को, काम करने का मुझे वहां पे मौका मिला। तो दोस्तों, जहां तक हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई वो कैसे हुई, उसका जन्म कब होगा और नहीं जब कब पैदा होगी, ये हमारे इंडियन कॉस्मोलॉजी में, हिंदू कॉस्मोलॉजी में लिखा है। इट इज बिलीव दैट द यूनिवर्स इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन ए साइकिल एवरी 4.332 बिलियन ईयर्स। क्वाइट इंटरेस्टिंगली दिस पीरियड इज क्वाइट क्लोज टू द करंट साइंटिफिक एज ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये जो कोरोना का जमाना चल रहा है तो लोग ये सोचते हैं कि अभी ये क्या होने वाला है, तो साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि ये पृथ्वी का अंत बहुत नजदीक है। एक्चुअली ये टाइम तो ड्यू हो रहा है, हम जो जी रहे हैं वो बोनस में जी रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। तो दोस्तों, मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है। बहुत लंबी बात भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम का भी एक लिमिट है, उसमें ये बात हम खत्म करते हैं। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और खास करके कर्मा फाउंडेशन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि लॉकडाउन के अंदर भी लोगों को कुछ न कुछ तरीके से उनको नया नया नॉलेज और बिजी रखने का प्रयत्न किया है, कुछ नए देने का प्रयत्न किया है, ताकि जो सब पे आफत आके पड़ी है वो उसमें बहुत कम इफेक्ट होकर आसानी से इस तकलीफ से बाहर आ जाए। तो दोस्तों, मैं आपको भी विनंती करता हूं कि आप भी घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना के साथ पे रह के ही हमें काम करना है, और जरूर ये तकलीफ भी दूर होने वाली है बहुत जल्द। तो ये मेरा सेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।